हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सिंह। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि साइकोलॉजी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अस ऑल टीचिंग एग्जाम्स लाइक आपका KVS, DSSB, CTAT, SATs, PRTs वगैरह के लिए। और बिकॉज उसमें पूरा जो हमारा सेशन B आता है वो पूरा 100 मार्क्स का हमारा पेडागोजी और साइकोलॉजी पर ही डिपेंड होता है, चाइल्ड पेडागोजी पे। तो इसीलिए अब उसको समझते हुए अब मैं आपको स्टार्टिंग से साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान उसका अर्थ क्या है, उसमें कितने दार्शनिक जुड़े हुए हैं, सबने अपने अपने क्या क्या विचार रखे हैं, क्या क्या परिभाषाएँ रखी हैं, और उन वो कहाँ तक सत्य रही थी, कहाँ तक असत्य हैं, वैलिड रही, इनवैलिड कर दिया गया, लास्ट में कौन सी जो डेफिनेशंस है वो आई हैं जिसको आज तक मान्यता प्राप्त है, और आज तक हम उसी से जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो जज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और अपने मनोविज्ञान की बातों को। तो उसको समझते हुए हम अपना ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी मनोविज्ञान हिंदी में बोलते हैं, उसका जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एक ग्रीक भाषा, आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। जैसे सारे शब्द होते हैं ना कि हम इंग्लिश जो पढ़ाते हैं वो रोमन शब्द से है, रोमन लिपि में है, तो ऐसी जो हमारा साइकोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जो इसको तोड़ कर, यानी कि साइकोलॉजी को संधि छेद कर कर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा साइके प्लस लॉगस। अब अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है तो आपको भी पता है कि इसके दो मीनिंग होंगे अलग अलग। तो इसको जो हमारा साइके है उसको आत्मा कहा है, जो हमारा साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में साइके का अर्थ आत्मा रखा है, तथा लॉजस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना या विवेचना करना। किसी भी अध्ययन करना, विवेचना करना क्या होता है, अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको क्या है उस पर अध्ययन करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे, उसकी विवेचना ही नहीं करेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि वो चीज़ है ही क्या। तो इसीलिए साइकोलॉजी को समझने के लिए उसका अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, और अध्ययन करने के लिए तो साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में क्या कहा था कि अध्ययन करने के लिए किसका अध्ययन करना पड़ेगा, आत्मा। तो आत्मा का अध्ययन करने वाला जो विषय है उसको साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान कहा गया है। आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय, ओके, आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय क्या है, साइकोलॉजी है। अब देखिए, इसके अंदर जो ये आत्मा शब्द है ना, आत्मा शब्द को उठाकर, यानी कि इसका जब शाब्दिक रूप, शाब्दिक परिभाषा दी गई थी कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय ही साइकोलॉजी है, जिसमें हम आत्मा के बारे में जान सके, तो आत्मा शब्द को विषय वस्तु मानते हुए हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने, जिसमें से अरस्तु व प्लेटो, जो दो हमारे प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने अरस्तु और जो प्लेटो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, उन्होंने क्या था, आत्मा के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि जो हमारा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो एक ऐसा विषय है जिसमें आत्मा के बारे में जाना जाता है, अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन अब एक चीज़ बताइए कि आत्मा को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, नहीं ना। तो इसीलिए आत्मा को जब प्लेटो और अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय बताया था, तो जो आगे आने वाले दार्शनिक थे बाद में, उन्होंने इसको इनवैलिड बता दिया था। इनवैलिड क्यों बताया, क्योंकि आत्मा एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो कॉन्क्रीट नहीं है, वो आपके सामने प्रस्तुत नहीं है, आप उसको ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना समझ सकते हो, ना उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आत्मा आप, हाँ, अंदर है हमारे, अब मैं उसको बाहर निकाल के तो नहीं दिखा सकती ना, ये मेरी आत्मा है, देखिए कितनी प्योर है, ईमानदारी है कि क्या है।
तो इस तरह की चीज़ें क्या हैं, हम आत्मा के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, वो प्रयोगात्मक नहीं होती है। तो इसीलिए आत्मा को इनवैलिड बता दिया गया कि इस पर हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जब आत्मा को अरस्तु और प्लेटो ने आत्मा को इनवैलिड बता दिया गया, उसके बाद एक और नए दार्शनिक आए, उन्होंने आत्मा से हट कर मन को रखा। उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो मन है, यानी कि मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मन का अध्ययन करना आवश्यक है। अगर आपने मन को समझ लिया कि मन में क्या चल रहा है, मन की बातें क्या हैं, या मन में आपके कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ें, तो मतलब हम साइकोलॉजी को जान सकते हैं, उसका अध्ययन हो गया, तो आप मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। अब मन को जिन्होंने रखा था उसमें आपके इंपॉर्टेंट थे लॉक, कांट और ह्यूम, और भी आदि इसमें मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने मन को विषय वस्तु समझते हुए हमारा मनोवैज्ञानिक की परिभाषा व्यक्त की थी। ये आपका 17वीं व 18वीं शताब्दी के बीच में ये सारी डेफिनेशंस रखी गई थी, जिनको दर्शन शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, जो इन्होंने ये सारी डेफिनेशंस रखी थी ना मन के ऊपर, इनको दर्शन शास्त्र कहा जाता है। नोट कर लीजिए, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपसे पूछी जाती है एग्ज़ाम में, कौन दर्शन शास्त्र है, कौन व्यवहारवादी है और कौन प्रयोगात्मक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आत्मा का विज्ञान बताया था, जिसको जिसमें मनोविज्ञान को आत्मा की विषय वस्तु समझते हुए उसकी डेफिनेशन दी थी, वो इनवैलिड हो गई। उसके बाद मन को रखा 18वीं और 17वीं शताब्दी में, जिसमें लॉक, कांट और ह्यूम्स हमारे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे, और ये भी क्या थी, इनवैलिड हो गई। सेम चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट है, आप मन को नहीं समझ सकते हैं, कोई प्रयोग नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि आपको मन को दिखाइए, लाइए, उसका प्रयोग करते, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वो कितना वैलिड है, किसी बच्चे का मन निकाल के ले आइए, तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि मन को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो आपके सामने कॉन्क्रीट में नहीं है। कॉन्क्रीट चीज़ें क्या होती हैं, मूर्त वस्तुएँ क्या होती हैं, जो आपके सामने अवेलेबल हो। आपके पास ये, मेरे पास मार्कर है, ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, मैं क्योंकि इसको देख रही हूँ, इसके बारे में बता सकती हूँ। अगर आप मेरे से पूछेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पूछेंगे, तो मैं बता सकती हूँ इसकी शेप कैसी है, कलर कैसा है, और ये लिखने के बाद कौन सा कलर दे रहा है, ब्लू, ब्लैक, रेड वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्क्रीट है, जिसको हम ऑब्जेक्ट्स को समझते हुए रख सकते हैं। अब आपको पता है ना, आत्मा आपकी कॉन्क्रीट है, ना मन आपका कॉन्क्रीट है, तो इस चीज़ को क्या है, हम इनवैलिड बताते हुए डेफिनेशंस को इनवैलिड रखा है। उसके बाद अब इनको एक ग्रुप में और इनवैलिड रखा है, क्योंकि जो आत्मा और मन की डेफिनेशंस रखी गई है ना, बहुत अर्थों में अलग अलग है। आत्मा को मैं बहुत चीज़ों में डिफाइन कर सकती हूँ, और मन को भी मैं बहुत चीज़ों में डिफाइन कर सकती हूँ, उसका हर जगह पर एक अलग मतलब है, एक अलग विषय वस्तु है, एक अलग महत्व है। तो इसीलिए साइकोलॉजी में इसका कोई एक इम्पॉर्टेंट महत्व नहीं पता चला है कि आत्मा क्या है और मन क्या है और इस पर क्यों अध्ययन करना है। इसीलिए इसमें ये दो दोष पाए गए थे, इसीलिए इन डेफिनेशंस को क्या था, इनवैलिड बता दिया गया। 1879 में जो हमारे विलियम वुड्स आए थे जर्मनी के, 1879 में एक दार्शनिक और आए, विलियम वुड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। विलियम वुड्स ने सबसे पहली मनोविज्ञान की विश्वविद्यालय जो था, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था, जिसका नाम था लिप्चिंग विश्वविद्यालय, जिसको आगे चलकर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। मतलब विलियम वुड्स ने 1879 में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला रखी थी, जिसको लिप्चिंग विश्वविद्यालय उस समय कहा जाता था जब इसका निर्माण हुआ था, लेकिन आगे चल के उसको कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी यानी कि कॉलेज के नाम से जाना जाने लगा। DSSB और KVS में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है
कि जो प्रथम प्रयोगशाला रखी गई थी मनोविज्ञान की, उसका नाम क्या था, वो कौन से सन में रखी गई थी और वो किसने रखी थी। तो ये तीन क्वेश्चंस इसके अंदर आपके कवर होते हैं 1879 में विलियम वुड्स के द्वारा, और नाम था लिप्जिंग विश्वविद्यालय, और जो अभी करंट में उसका नाम चल रहा है वो है कार्ल मार्क्स। ओके, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने आत्मा और जो मन था इनको इनवैलिड बताने के बाद इनसे परे हटते हुए अपनी एक डेफिनेशन दी थी। इन्होंने अपनी विचारधाराएं रखी थी विलियम वुड्स ने कि मनोविज्ञान होता क्या है, उसको हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, मन और आत्मा से हट कर मानसिक क्रियाएं यानी कि मेंटल एक्टिविटीज और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारे, यानी कि कॉन्शियस हमारा जो चेतन अनुभूतियां होती हैं, दो चीज, चेतन अनुभूति और जो हमारी मेंटल एबिलिटी होती है, इस पर बल दिया था। देखिए मेंटल एबिलिटीज़ में आपको भी पता है बच्चे क्या हैं, अपनी मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। आपको कोई भी चीज़ है, आपको मान लीजिए किसी का एक्सपेरिमेंट करना है, किसी का बिहेवियर जज करना है, तो जिस तरह की वो हरकतें करेगा और उसकी मेंटल एबिलिटी होगी जिससे वो एक्सपीरियंसेस या एक्टिविटीज़ कर रहा है उसके थ्रू आप जज करेंगे, ये कहा था विलियम वुड्स ने। अब इन्होंने चेतन अनुभूतियों को, जब चेतन अनुभूतियाँ रखी थी तो चेतन अनुभूतियों के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे, कीवर्ड्स, जिसमें भाव, संवेदना और हमारा इमेजिनेशन यानी कि प्रतिमा, कल्पना, प्रतिमा, कल्पना, ये की पॉइंट्स रखे थे, भाव, संवेदना, प्रतिमा, कल्पना। इसमें क्या कहा था कि जो हमारी चेतन अनुभूतियाँ होती हैं यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके अंदर बच्चा कुछ ना कुछ फील करता है, कुछ ना कुछ सेंसेशंस होती हैं उसकी, कुछ ना कुछ इमेजिनेशन क्रिएट करता है, कुछ ना कुछ कल्पना होती है उसकी, जिसके थ्रू हम बच्चे का ऑल ओवर क्या है, बिहेवियर जज करके बता सकते हैं कि मनोविज्ञान एक्चुअल में है क्या। अब इसके अंदर भी उन्होंने जो हमारी भाव और संवेदना है, इन दो की पॉइंट्स को इम्पॉर्टेंट रखा था, जिसके अंदर संवेदना को उन्होंने ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तु निष्ठ था और भाव को सब्जेक्टिव कहा था। ठीक है, विलियम वुड्स ने जो ये सारी आपकी डेफिनेशंस के अंदर कीवर्ड्स रखे थे, भावना, संवेदना, प्रतिमा, कल्पना, उसके अंदर भाव और संवेदना को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें संवेदना को वस्तुनिष्ठ और भाव को आपका आत्मनिष्ठ के उसमें रखा गया था। अब आप समझते हुए चलिए कि वस्तुनिष्ठ और आत्मा के उसमें कैसे रखा था। इसमें भी जब विलियम वुड्स के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी तो इसमें भी कुछ दोष पाए गए थे। दोष क्या पाए गए थे, उसमें पहला दोष यही था कि जो हमारी चेतन अनुभूतियों के अंदर वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव चीज़ें रखी गई हैं उसका हम अध्ययन नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ही बताया एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी रूप से आत्मा और मन को हटा के हमने चेतन अनुभूतियों के ऊपर इस पे जोर दिया था विलियम वुड्स ने। अब आप मेरे को ये बताइए, जब आत्मा और मन एब्स्ट्रैक्ट है, उसके बारे में आप सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, इसीलिए उनको इनवैलिड रखा था, तो विलियम वुड्स के द्वारा चेतन अनुभूतियों को कैसे वैलिड माना जा सकता है, क्योंकि जो हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर चीज़ें आती हैं, भाव आते हैं और जो हमारी इमेजिनेशन आती है, संवेदनाएँ आती हैं, वो क्या है, कुछ टाइम के लिए ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने कोई चीज़ देखी और उसको वो इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि वो बच्चा रोने लगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, और अपनी मम्मा से ज़िद करने लगा कि नहीं मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो वहाँ पे उसके क्या व्यक्त हो रहे हैं, वहाँ पे उसकी फीलिंग्स आ रही हैं, उसकी भावनाएँ व्यक्त हो रही हैं, लेकिन वो जो भावनाएं और फीलिंग्स व्यक्त कर रहा है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। क्या पता अभी बच्चे को ये वाली चीज़ पसंद है, आगे मार्केट में जा रहा है, उसको दूसरी डॉल या गुड़िया या कोई भी खिलौना पसंद आ गया उससे ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या है, उसकी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी।
आपने वो वाला खिलौना नहीं लिया तो बच्चा रो रहा था, लेकिन आपने जब सेकंड चीज़ देखी वो उससे ज़्यादा अच्छी है, अट्रैक्टिव है, मम्मा ने उसको वो दिला दी, तो वहाँ पे क्या है, वो जो दुख वाली यानी कि सैडनेस वाली फीलिंग थी वो हैप्पीनेस में चेंज हो गई। तो आप इसको भी क्या है, जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फीलिंग्स और संवेदनाएँ इमेजिनेशन माइंड की टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, एक एक सेकेंड में बदलती हैं। आप नहीं पता लगा सकते अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसीलिए विलियम वुड्स के द्वारा जो ये डेफिनेशन दी गई थी इसको भी इनवैलिड बता दिया गया था। अब मैंने आपको तीन इसके अंदर डेफिनेशन बता दी, फर्स्ट आत्मा, दूसरी मन, और थर्ड क्या थी हमारी, चेतन अनुभूतियों के द्वारा दी गई डेफिनेशन जिसको भी इनवैलिड बता दिया। अब इसके बाद हमारी लास्ट और फोर्थ जो डेफिनेशन है वो आती है जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें व्यवहारवाद को रखा गया है, जो कि हमारे जेबी वॉटसन जी के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। जेबी वॉटसन क्या है, हमारे व्यवहारवादी हैं। अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, आप इसको भी समझ लीजिए। इन्होंने कहा था कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, अगर उसका अध्ययन करना है तो बच्चे का व्यवहार ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसीलिए इनको व्यवहारवादी कहा गया था। और ये आधुनिक परिभाषा जो दी गई थी वो आज भी वैलिड है, यानी कि इसको आज भी सत्य माना जाता है, और जितने भी हमारे इसके बाद के प्रयोग हुए हैं वो सारे इसी डेफिनेशन के थ्रू चलते आए हैं। तो अब इसमें क्या कहा गया था कि व्यवहारवादी, इसीलिए बोला था जेबी वॉटसन जी ने व्यवहारवाद पे इसीलिए बल दिया था क्योंकि उसमें हम बच्चे के व्यवहार को देख सकते हैं, वो कंक्रीट है, यानी कि हमारे सामने उपस्थित है चीज़ें, हम बच्चे का व्यवहार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज़, बच्चे को कोई चीज़ चाहिए तो वो रोता है, बोलता है, सुनता है, मतलब कोई ना कोई एक्सप्रेशन उस पर क्रिएट करता ही रहता है। तो इसीलिए क्या है, आप इजीली उसको ऑब्जर्व करके उसका व्यवहार पढ़ सकते हैं, जिसको मनोविज्ञान कहा गया है। अगर बच्चे को अपनी मम्मा से दूध चाहिए या पानी चाहिए या किसी भी चीज़ की चाहिए, छोटा बच्चा है, शिशु है, तो वो बोलेगा नहीं क्योंकि उसमें अभी तक भाषा विकास नहीं हुआ है। तो भाषा विकास ना होते हुए भी बच्चा अपनी माँ को कैसे बताएगा कि मुझे दूध चाहिए, मुझे पानी चाहिए। उसके लिए क्या होगा, बच्चा अपने कुछ एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करेगा जिससे उसकी माँ को ये एहसास होता है कि उसको दूध चाहिए, पानी चाहिए, कोई चीज़ चाहिए। वो रोने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है। इस तरह की क्रियाओं से हम बच्चों को जज करते हैं जो हमारे व्यवहार के अंतर्गत आता है। हमेशा बड़े बच्चों में भी देखा होगा ये चीज़ें ऐसी होती है कि ये नहीं कि छोटे बच्चे ही एक्सप्रेस करें फीलिंग्स, और ये तो सभी चीज़ों में है। एक बार जब जन्म लेने के बाद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वो हमारे मरण यानी कि मृत्यु यापन तक चलती रहती हैं। क्लासरूम में भी ऐसा होता होगा, मान लीजिए आपके बर्थडे पर आपको किसी ने कोई सरप्राइज़ नहीं दिया, कोई चीज़ आपको किसी ने विश नहीं किया, तो आप बहुत उदास हो जाते हैं, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, आप सैड हो जाते हैं, या किसी चीज़ में आप बहुत एंग्री हैं तो गुस्सा नज़र आता है, आपके आईब्रोज और आंखों से पता चलता है कि आप गुस्सा हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या है, सामने वाले को अपनी बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो क्या है आपके एक्सप्रेशन और व्यवहार को देख के पता लगा लेता है कि आप क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं। अब आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, कैसे, अगर आप उसकी किसी बात से नाराज़ हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप थोड़ा बात करना कम कर देंगे, आपके एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाएंगे, आँखों में रेडिशनेस आ जाएगी। तो उससे क्या है, पता चलेगा कि व्यवहार के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। इस डेफिनेशन को जेबी वॉटसन जी के द्वारा जो दी गई थी वो इसीलिए वैलिड रखा गया क्योंकि व्यवहार को हम प्रयोग भी कर सकते हैं, उसके बारे में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और किसी भी चीज़ में उसको ढाल सकते हैं। ढाल कैसे सकते हैं, इस पर भी एक पॉइंट है। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि अगर बच्चा मार्केट में है, उसको कोई चीज़ पसंद आ जाती है और वो थोड़ी दूरी पर चला, उस दूसरी चीज़ के लिए रो रहा है कि मम्मा मुझे यही चाहिए, लेकिन थोड़ी दूर आगे चला उसको उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई पसंद आ गई, तो वहाँ पर क्या है, उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। वहाँ पे वो जो सैडनेस वाली सिचुएशन में था वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाती है। तो कई बार क्या होता है,
हम खुद भी उन एक्सप्रेशंस को, उन फीलिंग्स को, उनके व्यवहार को आर्टिफिशियल बिहेवियर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए बच्चों को आपने बोला कि आपको टेबल लर्न करके आनी है टू की, तो बच्चे क्या करेंगे? टू की टेबल लर्न करेंगे। कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, जो जैसे स्लो लर्नर्स होते हैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं लर्न करने के लिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या वो स्लो हो, मीडियम हो या हाई में हो, तो वो सारे क्या है, लर्न कर कर आए। उनको कैसे मोटिवेट किया जाए या उनका बिहेवियर उस तरह की टूवर्ड्स कैसे अट्रैक्ट किया जाए, तो आप क्या करेंगे, क्लास में बच्चों को बोल देंगे कि जो कल मुझे टू की टेबल अच्छे से सुनाएगा मैं उसको एक चॉकलेट ला के दूंगी। तो उसमें क्या है, आपने आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं वहाँ पे क्रिएट कर दी हैं कि बच्चों अगर कोई मुझे टू का टेबल सुनाएगा तो मैं उसको चॉकलेट या टॉफ़ी या कोई भी अच्छी चीज़ ला के दूंगी। तो बच्चे वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐसा बिहेव करेंगे कि उनको वो चॉकलेट और मतलब उसको जो मोटिवेशंस, उसके लिए जो आर्टिफिशियल चीज़ें रखी गई हैं उसको ऑब्जर्व, गोल्स को लेने के लिए वो इस तरह का व्यवहार करेंगे कि वो टू का टेबल लर्न कर कर आएंगे और आपको सुना देंगे। ऐसे ही आपने घर में भी देखा होगा कि जैसे घर में गेस्ट आते हैं तो बच्चे काफ़ी परेशान करते हैं, बीच में से निकलना, जाना, आना, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो उसमें क्या होता है, मॉम या वो कहते हैं कि आप चुप बैठोगे तो मैं शाम को आपको मार्केट लेके जाऊंगी, घुमाने लेके जाऊंगी या कोई टॉय दिलाऊंगी। तो ये सारी क्या है, हम बिहेवियर बच्चों का चेंज करने के लिए आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड कर देते हैं उसके अंदर, जिससे बच्चे अपना व्यवहार थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये थोड़ी बात की बात है, मैंने आपको अभी इसलिए बता दिया ताकि आपको बिहेवियरिज्म अच्छे से पता चल जाए। तो एक चीज़ पॉइंट नोट कर लीजिए, साइकोलॉजिस्ट में जो हमारे बिहेवियरिज्म के साइकोलॉजिस्ट है वो कौन है, जेबी वॉटसन, यानी कि व्यवहारवादी, इन्हीं को बोला गया है। ठीक है, इसमें आई होप आपको पूरा अर्थ समझ में आ गया होगा साइकोलॉजी के लिए किस किस ने अपनी क्या क्या डेफिनेशन दी है, मैंने आपको प्रॉपर अच्छे से तरीके से समझा दिया है।